विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाएगी। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, भारत न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार है। हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठक कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यालय में फिर समीक्षा बैठक रखी गई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण बैठक 3 दिन चलेगी। हम हार के सभी कारणों पर समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में हम पूरी तैयारी के साथ 29 सीटों पर दम दिखाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर भारत को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। आज युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूर्ण है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए 29 लोकसभाओं के लिए रोड मैप तैयार होगा। हर लोकसभा के लिए व्यक्ति डेप्यूट किए जाएंगे, सीनियर लीडर, इसके साथ में मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, इसके साथ में एक कार्यपालन समिति बनेगी जो क्रियान्वयन करवाएगी उन कामों का जो हमें आवश्यक रूप से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो बिंदु हम बना रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण 3 दिन की बैठक है। देखिए, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर निकाली थी और हजारों लाखों लोगों ने उसे प्रतिसाद दिया था, इस बार देश की जनता फिर चाहती है कि राहुल गांधी जी अपने कदमों से भारत को एक बार फिर नापें, इस पार से उस पार, ताकि जो जन भावनाएं हैं उनको समझ के राजनीति का नया परिवेश क्या होना चाहिए, किस ढंग का बदलाव इस देश में होना चाहिए, क्या सिर्फ धर्म से देश चल जाएगा, क्या वो नौजवान जो अपनी सूनी आंखों से राह देख रहे हैं सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बूढ़ी आंखों के सपनों का भारत हम बना पा रहे हैं, ये तमाम सारी बातें उसमें आएंगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।